हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, पोस्टा की एडवरटाइजमेंट आ गई है जी, तो उन्होंने दस ही है ऑलरेडी। तो हूँ ये अलग अलग विषयों की की पोस्टा ने वह आप जिक्र कर लिए इस वीडियो दे विच। पहला तो मैथ दियाँ कितनी पोस्टा ने, मैथ दियाँ टोटल पोस्टा आई हैं ने जी 912 पोस्टा ने। तो जनरल कैटेगरी दियाँ तो आप मन के चलीए 342 पोस्टा आई हैं जनरल कैटेगरी दे, बहुत पोस्टा ने जी मैथ दिया, काफ़ी पोस्ट आई हैं 912 पोस्टा, काफ़ी पोस्टा होंगे जिस बैकलॉग दिया नहीं है, जनरल पोस्टा भी काफ़ी ने जी। एम ए साइंस दियाँ पोस्ट आई हैं 322 पोस्ट आई हैं जनरल कैटेगरी दियाँ, ओवरऑल पोस्टा 859 है, मतलब मैथ दिया पोस्टा ज़्यादा आई हैं जी। तो तीसरे नंबर पर गल करिए आप हिंदी दियाँ, हिंदी दियाँ पोस्टा आई हैं 240 भी फ्रैश पोस्टा काफ़ी है। तो उस तो बाद पंजाबी दियाँ पोस्टा आई हैं थोड़िया 534 जिस फ्रैश पोस्टा इस भी काफ़ी हैं जी। SST दियाँ पोस्टा आई हैं 234 जिस 633 टोटल पोस्ट हैं, तो फ्रैश काफ़ी पोस्टा हैं जी इस भी। अंग्रेजी दियाँ, इंग्लिश दियाँ 283 टोटल 790 पोस्ट है जी। एंड दैट्स इट, मतलब कि आ सबजैक्ट दियाँ इस टाइम पोस्ट आई हैं जी। तो मेरे मुताबक सारे जने बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस तो बाद मन के चलो 4 साल कोई पोस्टा नहीं निकल दिया, इसलिए सारे जिन्ना ने भी TET क्वालिफाइड ने, देखो ये क्वालिफिकेशन की रखी है इन्हों ने, एक तो ग्रेजुएशन 45% मार्क्स होने चाहिए सारे सब्जेक्ट लिए, होने चाहिए 44% इनकेस ऑफ 44% गलत लिखे मेरे ख्याल जी, 40% होना चाहिए इतने SC कैटेगरी लिए गलत लिख गए। तो BEd होनी चाहिए है, तो विद्यक योग्यता दे विच भी नहीं पाया जी इन्हों ने कि TET क्वालिफाइड हो। चलो तो एवं साइंस का सेम 45% इतने ठीक है जी, तो BEd की हो ठीक है जी, BEd की हो बस यही है दो दे विच। हिंदी दे विच भी सेम 45% मार्क्स, सारा कुछ उही है सेम, तो 40% मार्क्स सारा कुछ बाकी उही है जी। बस मेरे ख्याल में डाउटफुल यही है कि इन्होंने TET का जिक्र ही नहीं किया, या तो यह काली च एडवरटाइजमेंट कटी हुई है या पूरी एडवरटाइजमेंट मेरे को डाउनलोड नहीं हुई शायद। चलो चलो ऑल दी बेस्ट सारियां नूं, तैयारी करो जी गड के, बाकी जो पूरी एडवरटाइजमेंट आ जाती है मेरे ख्याल 18 पेजा की एडवरटाइजमेंट है, तो मेरे को सिर्फ 8 पेज ही डाउनलोड हुए हैं, जो भी पूरी एडवर्ट आ गई जी 9 पेजा की, दूसरा भी 9 म्यूजिक दिया पोस्टा निकली हैं जी, 5 टोटल पोस्टा 25। तो फिजिकल एजुकेशन दिया पोस्टा, फिजिकल एजुकेशन दिया, फिजिकल एजुकेशन केड़े फिजिकल एजुकेशन ने, DP दिया पोस्टा, DP दिया पोस्टा निकली हैं जी 168 पोस्टा ने जी। चोन का ढंग, हाँ जी, ये देखो मेन गल आ, देखो जे लिखे हुआ है ना TET क्वालिफाइड होना चाहिए, पेपर 2 TET क्वालिफाइड पास होना चाहिए, तो 150 मार्क्स का पेपर होगा, तो जो इन आसामियों दसाई गई विद्यक योग्यता निर्धारित तो होर शर्त पूरी करता होना उम्मीदवार की मैरिट निरोल मैरिट टैस के आधार पर बनूगी, TET के नंबर नहीं लगने, बट जे लिखती टैस के सेम नंबर आ गए जिसकी उम्मीदवार की उम्र ज़्यादा होगी वो योग है जी। ठीक है जी, तो रकम आपां नूं पता ही है जी, मेरे ख्याल नाल इहदे लई मिलदी हुंदी है 35,000 रुपये के करीब थोनू पे मिलेगी, तो 37 साल उम्र रखी हुई है जी, मिति 1/1/2021 उम्र 37 साल होनी चाहिए है जी, 37 साल तो वध ही उम्र ना हो जी, ये कंडीशन लाई हुई है, तो 1,000 रुपये अपनी फीस रखी हुई है इन्होंने, तो बाकी सारी तो उही है जी, शर्तां कोई खास नहीं है, मेन तो यही सीगा रिजर्वेशन रोस्टर थोड़ा पता ही है सारा कुछ। चलो सारे ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस।